कवर्धा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम गोरखपुर खुर्द और उसलापुर के लोग बांस और बल्ली के सहारे बने पुल से आने जाने को मजबूर हैं। बांस बल्ली का पुल कभी भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन न तो प्रशासन को स्थानीय लोगों की तकलीफ दिख रही है और न ही माननीयों को। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है वैसे ही नेतागढ़ विकास विकास की माला जपने लगते हैं। कवर्धा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम गोरखपुर खुर्द और उसलापुर के ग्रामीण पिछले कई सालों से एक पुल के लिए तरस रहे हैं। दोनों गांव के बीच में नदी होने की वजह से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी होती है। नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट कर थक गए हैं। यही वजह है कि उन्हें मजबूरन बांस और बल्लियों के सहारे अस्थायी पुल बनाना पड़ता है। इसी पुल से लोगों का न केवल आवागमन होता है बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी लाते ले जाते हैं। इसी पुल से जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे भी आवागमन करते हैं। बारिश के दिनों में यह पुल खतरे से खाली नहीं रहता है। बाढ़ में कई बार पुल बह भी जाता है, इसमें लोगों की जाने भी गई है। इसके बाद भी हर साल इसी तरह की बांस बल्लियों से अस्थायी पुल का निर्माण करते हैं। खमरिया हर चीज के परेशानी है, गाय गरुआ के मनखे के पूरा। गाय गरुआ की क्या परेशानी है? आना जाना बार तेरे कोई में जाना नहीं होती तेती तेन मनखे मन हाँ। सब कुछ के परेशानी है। चावल को लेबर जाता था वो परेशानी है। कहाँ जाता? वह मुभट्ठा जाता। ये हाँ 10-15 साल हो गए हुई, जब से डैम बने ना तब से इसमें चलो थे। का बार बनाया? का मजबूरी ही है हमारे किसानी बार आए जाए बार सुविधा एक स्थिति बनाए हैं। बाजार हार जाते हैं, साग है, सब्जी है, चावल दाल सब लाए। मैं संबंध में रिपोर्ट मंगवाता हूं और तो भी उसे सरकार और सिस्टम से पुल निर्माण की मांग करते करते ग्रामीण अब थक चुके हैं। यही वजह है कि ग्रामीणों ने इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ग्रामीणों के मुताबिक हर बार चुनाव में वोट मांगने नेता गढ़ाते हैं लेकिन जीतने के बाद उनकी मांगों को पूरा नहीं करते, जिसके चलते ग्रामीणों ने ये फैसला लिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि ग्रामीणों के इस मांग पर शासन प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। INS 24/7 के लिए कवर्धा से संजय यादव की रिपोर्ट।